हम सोच रहे थे कि जो हमारा डायबिटीज़ का प्रोग्राम है वो कैसे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो सकता है, तो इसी सर्चिंग में कि हो ऑस्ट्रेलिया में कोई डॉक्टर है जो इस प्रोग्राम को रन कर सकता है, तो मेरे पास एक पेशेंट थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से डायबिटीज़ के लिए, तो इस तरीके से एक कनेक्शन बना और वो हमारी उनसे बात हुई। बातचीत होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें लगी कि नहीं ये तो मैं जानती भी नहीं हूँ, तब वो सेमिनार के लिए इंडिया आई और वहीं से उन्होंने सोचा कि ये कोर्स करेंगे, और अभी उनका क्लिनिक नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में क्लिनिक करते थे, अभी वो वापस ऑस्ट्रेलिया कब जाना है आई हैव नो आइडिया, बट उन्होंने 6 मंथ में क्या अचीव किया है ये उन्हीं के मुँह से सुनना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर धर्मेंद्र से बात हुई थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, तब मेरे को पता ही नहीं चला कि एलएम पोटेंसी कैसे, मैंने कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि मैंने तब भी सिनर्जी प्रोग्राम ज्वाइन किया था डॉक्टर राजेंद्र संकरण का, तो मैं वो लर्न कर रही थी, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। बाद में सचिन शर्मा से बात हुई मेरे हस्बैंड से, तो उनके रेफरेंस से मुझे डॉक्टर धर्मेंद्र में तुरंत ही आई, मैं 6 मंथ बाद आने वाली थी, लेकिन मैं आई फेब्रुआरी में ये सेमिनार ज्वाइन करने में, कि मुझे वो सीखना है, कुछ तो सीखना है होम्योपैथी में जो मैं नहीं जानती, वो थी एलम पोटेंसी। मैंने कभी भी ये मटेरिया मेडिका फ्यूरा क्रॉनिक डिजीज बुक को हाथ भी नहीं लगाया था, मैं तो ये फॉरवर्डेड डॉक्टर्स है उनकी जो सॉफ्टवेयर है, बुक्स है, मटेरियल्स है, उनको फॉलो करके वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती थी, रिजल्ट मिलते भी थे, फेलोर भी होता था, सबको पता है स्टार्टिंग में कैसे एक्सपीरियंस से सीखते, लेकिन जब से मैंने ये, मैं तो बोली कि वर्जिन होम्योपैथिक कोचिंग नहीं एकेडमी रखनी चाहिए सर आप, क्योंकि इसमें ना ओनली कोचिंग नहीं है, उसमें जाने ऐसे टीम है, हम कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी कैसे फ्रेंड्स मिले, तो इसको कोचिंग नहीं एकेडमी ही बोलूँगी मैं। एलएम पोटेंसी यूज़ करी मैंने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मार्वेलस रिजल्ट मिलते हैं, मैं भी नहीं सोच सकती इतना फास्ट रिजल्ट कैसे मिलता। मेरे कोई संबंधी है 10 साल, मेरी मदर है सोराइसिस की पेशेंट है 37 ईयर्स, जब मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी तब से, तो उनका 2 मंथ्स में मार्वेलस रिजल्ट है, मैंने मेडिसिन भी एलम पोटेंसी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वर्जिन होम्योपैथी टीम, वॉर्म्थ यू गिविंग एंड अचीवमेंट आई गॉट टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नयना। आई वुड लाइक टू एड ऑन वन थिंग अबाउट डॉक्टर नयना, मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि अपने पैशन के लिए अपना नेटिव प्लेस, अपने रिलेशंस, अपने सब कुछ जो डेली रूटीन रहता है या जो कुछ रहता है वो छोड़ के आ सकते हैं। तो डॉक्टर नयना शी वॉज बेसिकली हैविंग सिटीजनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनको जब डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में पता चला और वर्जिन होम्योपैथी के बारे में पता चला, तो शी शिफ्टेड टू इंडिया फॉर फ्यू मंथ्स और यहाँ आके उन्होंने वर्जिन होम्योपैथी कोचिंग कंप्लीट किया। सो इट्स रियली द, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वी रियली फील फॉर्चुनेट कि हमें इस तरीके से हमारे कलीग्स या स्टूडेंट बोल सकते मिले हैं, एल्यूमिनीज मिले हैं, कि दे आर रियली हैविंग सच अ झील, उनमें ये पैशन है कि होम्योपैथी में सही से सीखना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नयना।